किया है। इसके बाद मराठाओं का शासन रहा, मराठा करते रहे। 1735 में मराठा लोग आ गए थे, 1857 में अंग्रेजों की कुदरत ही झांसी पर पड़ गई। यहाँ जब वो अंग्रेज लोग आए तो मंदिर के पीछे जो है जो मैदान पड़ा है जहाँ कृष्ण हॉस्पिटल है, यहाँ उन्होंने अपनी सेना को यहाँ छावनी बनाई। जब छावनी यहाँ बनाई और देश में दुश्मनी तो बढ़ाई गई महारानी से, महारानी हर सोमवार को पूजा करने आया करती थी। लेकिन महारानी के गुप्तचरों ने बताया कि अंग्रेजों की कूटनी तैयार की है कि महारानी यहाँ पूजा करने आती है, फौज फाटा लेके नहीं आती, कम सैनिक लेके आती है, क्यों ना इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सूचना महारानी साहब के पास पहुँच गई। महारानी साहब ने मंदिर आना बंद कर दिया। अंग्रेजों से बुराई दुश्मनी बढ़ गई। पीछे जो है अंग्रेजों की जो सेना पड़ी हुई थी, जब युद्ध शुरू हुआ है तो जो वहाँ से गोला हमारे बचाव में जो गोला चला है गुलाम गौस का, उन्होंने गोला जो चला रहे थे तो उनकी छावनी पर गिराने का इरादे से चला रहे थे, लेकिन मंदिर सामने पड़ रहे थे। मंदिर सामने जब पड़ रहे थे तो बचा के गोला चलाने लगे। किसी ने महारानी साहब से शिकायत की कि महारानी साहब गोलंदाज गोला सही नहीं लगा रहे। महारानी साहब ने क्वेश्चन किया कि क्यों गोलंदाज, क्या बात है? तो उन्होंने कहा महारानी ये सत्य है, सामने मंदिर पड़ रहे हैं, अगर मंदिर डैमेज हो गए तो कहीं दूसरी भावना ना भड़क जाए, हिंदू मुस्लिम वाली बात ना बन जाए। तो उन्होंने आदेश दिया कि इस समय स्वतंत्रता या राज्य की बात है, आप गोला चलाओ, मंदिर डैमेज हो गए और हम आप जीवित रह गए तो पूरा मंदिर ऐसे ही तामीर करा देंगे। तो उन्होंने गोला चलाया है जो बचाव में, तो एक गोला मंदिर की प्राचीन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हाशमी, आई एम सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसा कि आज पता है हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट आए हैं। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ वर्ल्ड हेरिटेज डे देना चाहता हूँ। 1982-83 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे। यूनेस्को ने और आइकोमोस ने पूरे विश्व के जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब रेगुलर मीटिंग्स होते थे तो ये डिसाइड किया 83-82 में कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दो प्राइम एजेंसीज हैं जो कि अपने हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स को टेक केयर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। दूसरा जो आता है वो है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। हम अगर भारत की बात करें तो इस वक्त भारत में 3691 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये टेक केयर करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम आज बात करें कि हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं किसी से कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे छोटा सा कस्बा हुआ करता था बंगरा नामक पहाड़ी पर, किले का निर्माण हुआ, किले के पास में ही एक जगह है टकसाल, यहाँ पर जो समय है सिखों की ढलाई हुआ करती थी। तो छोटे से आए विशेष तौर से छात्रों से देखें आप लोग ये प्राचीन हमारी धरोहरें इमारतें हैं, इनको सुरक्षित साफ रखें, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम अपने इतिहास के बारे में बता सकें। जब हम इनको साफ स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे तभी हम ऐसी इमारतों को अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के दिखा सकें। झांसी की महारानी लक्ष्मी बताऊँ
महाराजा गंगाधर राव जी से उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई। कुछ साल की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई सेना ने ग्वालियर में गुरुबाग नाम की जगह में लगातार अंग्रेजों से युद्ध करती हुई फूलबाग में महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद है। फूलबाग ग्वालियर में उनकी समाधि बनी हुई है। आप लोग ग्वालियर जाएं, फूलबाग में महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि। दोस्तों आज सवेरे सवेरे 7 बजे से हमने ये हेरिटेज वॉक वर्ल्ड हेरिटेज डे पे स्टार्ट किया है, जहाँ अभी डीएम सर के साथ, कमिश्नर जी के साथ और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ हम लोग रानी महल पर हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्रोमाइसिस, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर एक पुराना कुआं भी है, और अगर आप देखें तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग, बहुत पुराना बना हुआ है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ रानी झांसी जब किले से बाहर आई थी उनके लिए झांसी के नागरिकों ने ये बनाया था, और रानी झांसी ने यहाँ पे अपना कुछ समय निकाला है और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौज इकट्ठा करके वापस किले को अंग्रेज़ों से लिया था। लेकिन उस दौरान रानी ने काफ़ी अच्छा खासा समय इस बिल्डिंग के अंदर निकाला है। ये पूरा बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें सारी वो हैं, आप देखें अगर बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, हस्तकला का वो है और स्टोन आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। तो आप ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, मूर्तियां हैं जो थोड़ी खंडित हो गई हैं लेकिन फिर भी इन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। तो दिस इज़ द आर्किटेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, और बहुत ही सारी जगह आपको ये पूरा बिल्डिंग में भरी मिलेंगी आपको। सो दिस इज़ द होल आइडिया कि आपको एक बार ग्लिम्प्स दिखा दें। So people, we are here with our commissioner, Dr. Adarsh Singh ji, and he is participating into and making this event very successful as on World Heritage Day, our heritage walk. Sir, any some words, some importance of this event, some advice for the people of this beautiful city? Yeah, as we all know, today is World Heritage Day, and Jhansi Smart City has started this, I would say, a very unique thing that we have started a heritage walk, I think, for the first time in Jhansi, where we have visited a lot of places apart from the, all of us in Jhansi know about the fort, but we don't know about a lot of lesser known places. So this is an attempt to make all of us aware, make people aware that Jhansi has so many historical places, so many cultural places. Correct. And each and every nook and corner is, has its own history. So I would urge all the citizens of Jhansi, all the tourists to take this opportunity and visit all these places. We will all learn a lot. Thank you so very much, sir. So we are here having our DM, Sir Ravind Kumar ji, and he, as you all know, he is a very sports loving person. Sir, ye jo event hua World Heritage Day pe jo aap log ke under mein ek heritage walk karai gayi hai, what is the significance for this? What are we trying to, give a message to the city? This is basically about raising awareness of the people regarding heritage site, historical site, monuments around them, so that they can be aware about its historical significance and they can help in protecting it. Absolutely. Normally, you see, people are not aware about the significance, historical, whatever storage attached with this. Correct. And so, they keep damaging, knowingly or unknowingly. Unknowingly. So, we have just carried out this walk. I think more than 50 students are there, different departmental officers are there. True. It is one attempt to raise awareness about the people, so that at least on 18th April they would be aware. But our aim is not to raise awareness only for the one day, for the throughout. झांसी में सर बहुत ही पुरातन विभाग की बिल्डिंग से और एक रिच कल्चर है, हिस्ट्री है सर झांसी की, तो आपको लगता है सर इन सब चीज़ों का अवेयरनेस कराने से झांसी की जितने लोग समझेंगे उतनी सिटी और सुंदर होती जाएगी और लोग समझेंगे इसका महत्व? बिल्कुल होगी। देखिए, अगर हम अपने हिस्ट्री को, हम अपने मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल साइट को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे कम से कम, आज तो ये बची हुई है, बिल्कुल सही, 50-100 ईयर्स डाउन द लाइन, 200 ईयर्स डाउन द लाइन वो बची रहेगी, तभी तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे और वो बिलीव करेंगे कि ऐसा हुआ था। हालांकि एवरीथिंग इज रिटेन, सब कुछ है, बट लोग जब आँख से देखते हैं, आँख से देखी हुई चीज़ का सिग्निफिकेंस अलग ही रहता है, वो आपके माइंड में एक अलग ही इम्पैक्ट करता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो और देखते हो तो देखने वाला ज़्यादा बिलीव करता है।
बिल्कुल सही बात है सर, एंड आई होप मैसेज इज लाउड एंड क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन. वी आर ट्राइंग ऑल्दो नॉट लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर पार्ट ऑफ दिस जी, बट वी विल स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू डिफरेंट मीडिया न्यूज. धरोहर दिवस पे हमारे साथ पुलकित जी हैं, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिनके सर आज बहुत अच्छा इवेंट करवाया आपने, हेरिटेज वॉक. आई थिंक मच नीडेड प्रोग्राम फॉर झांसी, जहाँ इतने हेरिटेज का इतना ज़्यादा खजाना हो, इतना पुराना शहर, आप इसको किस तरह से लेते हैं सर शहर के लिए? बिल्कुल ठीक बात है. आज मुझे इनफैक्ट ऐसी कई चीज़ें पता चली जो मुझे खुद ही नहीं पता, मतलब यहाँ के झांसी में नौ महीने रहने के बाद भी नहीं पता थी. मोस्टली क्योंकि हम किले पे ज़्यादा आधारित कार्यक्रम करते हैं या जागरूकता हमारा रहता है, तो इसके अलावा एक पूरा एक सर्किट होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिटी में स्पेंड कर सकें. हम लोगों की अपने शहर के प्रति जो एक जिम्मेदारी है वो बढ़ती है जब हम अपने शहर के बारे में जानते हैं जी. तो इसलिए आज एक सर, एक और मैसेज बड़ा स्ट्रांगली मिलता है आपके डीएमजी और कमिश्नर जी के साथ कि आप लोग बुंदेलखंड टूरिज्म पे, खासतौर से झांसी को कुछ एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसका क्या सही रेफरेंस है सर, इतना ज़बरदस्त जोर क्यों है आज के वक्त में उसको? देखिए टूरिज़्म एक बहुत ही एक अच्छी इंडस्ट्री है जिससे रोज़गार सृजन का और इनकम क्रिएशन का जी बहुत अच्छा जरिया है, तो हम चाहते हैं कि इसे झांसी आगे बढ़े. इसे आई थिंक बहुत ज़रूरी भी है सर, इसे निगलेक्टेड था शायद अभी अच्छा. तो आज जैसे हमने आज पांच साइट्स देखी, वो पांचों साइट्स ऐसी थी जिसके बारे में शायद ही हम सभी बच्चे जो हमारे साथ थे या इवन ऑफिसर, हम सभी लोगों को कम पता था. तो आज किया तो उसको एक हम कंटिन्यूस जो है, मैं इनफैक्ट बल्कि सभी इन्वाइट भी करूंगा, सभी जो हमारे सिटीजन हैं कोई हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज कराना चाहता है तो वाई नॉट ऑर्गेनाइज इट फीस लेकर. जैसे हम दिल्ली मुंबई कहीं भी बाहर जाते हैं, मैंने दिल्ली में हेरिटेज वॉक किया तो वहाँ पर जो हेरिटेज वॉक कराते हैं वो चार्ज करते हैं अपना 400-500 रुपीज जो भी नॉमिनल एक चार्ज करते हैं जी, और वो अपना सभी को हेरिटेज वॉक कराते हैं. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, मॉर्निंग टाइम में जब ट्रैफिक कम हो और फिर ये चीज हो सके तो बहुत अच्छी बात. तो हम ये चीजें इनिशिएट तो कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक कि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं, वो हेरिटेज की फील्ड में भी आए और इसको आगे लेकर जाए. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट थैंक यू सो मच सर, आई थिंक वेरी सक्सेसफुल ड्राइव. और जिस तरह से आप लोगों ने किया है, जिस तरह से आप जैसे यू नो टॉप ऑफिशियल्स जब इस पे इतना ज्यादा गौर देते हैं ना, तो सर और सिटीजंस भी काफी अच्छे जागरूक होते हैं. वेरी नाइस ड्राइव सर, ओनली कैन से कि प्लीज कंटिन्यू इट, मेक इट हैपन ऑन अ फ्रीक्वेंटली बेसिस, तो ज्यादा अच्छा है सर. ये तो मैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे तो मैं सभी सभी अपने नागरिकों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिटीजंस जो अवेयर सिटीजंस हैं, दे शुड ऑर्गेनाइज एंड दे शुड चार्ज अ फीस. तो वो एक रेगुलर फीचर बन पाएगा, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस एज अ गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज इट रेगुलरली. करेक्ट है सर, आई एग्री. आई थिंक द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, आप जैसे ऑफिशियल साथ में हैं इस चीज के लिए, तो लोग बस को सीरियसली लेकर के इस पे करना चाहेंगे सर. But it is very, very nice. Thank you so very much. All the best. Appreciate sincerely. Happy heritage. Thank you. What is your name? Raj Kapoor. हाँ? Raj Kapoor. Raj Kapoor. अरे यार तुम तो बिल्कुल सेलिब्रिटी हो गए अपने आप में दोस्त. अब ये बताओ राज कपूर, जो तुम्हारा इतना जबरदस्त इवेंट हुआ आज, तुम्हें मजा आया? Yes, sir. अच्छा हमारे को क्या मैसेज मिलता है जब हम इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं ना, जब इतने बड़े बड़े कमिश्नर साहब हैं, यू नो अपने डीएम साहब हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी हैं, ये सब अपने साथ जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब जगह घुमा रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या लगता है क्यों किया जा रहा है, क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? वेरी नाइस, करेक्ट. तो विश्व धरोहर दिन के चलते, दिवस के चलते, जो हमारे झांसी की इतनी अच्छी अच्छी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मार्ट सिटी है झांसी के, तो पुराने धरोहर हैं, क्या हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए? यस सर, यस सर, करना चाहिए ना. और इसको लिए बचा के करने, बचा के चलने के लिए हमारे लिए क्या क्या जरूरी होगा? पोल्यूशन से बचे, पोल्यूशन से, और पोल्यूशन से मतलब हम लोग साफ सफाई कर, साफ सफाई कर, कूड़े जाने में डालेंगे. वेरी नाइस, फैंटास्टिक. आप लोग किले में आ जाओ बच्चे, तो आप लोगों को सब अच्छा लगा यहां आने पर? यस सर, बहुत अच्छा लगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो हो जाएगा झांसी की जय. थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर गुड नेम? सर माय नेम इज तशा रहमान. Tashar Rehman. Tashar Rehman. Hi Tashar. How do you find this event? Yeah? So it's very informative. Very nice. Very informative. Huh? Yes sir. Outside. So Tashar, tumhare paas kitne students saath mein aaye tumhare? Sir, we are nearby 10 to 15 students. 10 to 15 students. Yeah, we are from ITHM department, Bundelkhand University. Superb, superb. So how do you find this event? Do you think some these type of bureaucrats, important people of Jhansi city, they initiate such type of things? Yes, what sir. Is the impact of such type of sir, events? So by this we get to know more about our heritage sites and even what was our history of Jhansi.
Great. Many people doesn't know about this, that what was the actual history and why this church right. and rest of the things are being made. Absolutely. So we get to know about this by these And programs. Do you think we as a people, citizens of Jhansi, need to really preserve such you know, monuments which we have, so 100 years ago monuments, so that our next generations also come to know about what richness does Jhansi yes, have? Yes, sir. We should reserve them so that the next generation should get to know Great. That from what all things we have get through yeah. and yeah. what we have done in Absolutely. Thank you so much, Asha, for your Thank for you, sincerely appreciate. Thank you. ओके दोस्तों, तो आज विश्व धरोहर दिवस को जिस तरीके से टॉप ऑफिशियल्स ऑफ झांसी ने लिया है और इतना संजीदा मैसेज, इतना सीरियस मैसेजेस अक्रॉस द सिटी सारे सिटीजन्स को दिया है कि हमारा जो शहर है, वी आर फॉर्चुनेट टू से दैट यू नो वी हैव अ हिस्ट्री, दिस सिटी हैज़ अ हिस्ट्री. कई शहर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री नहीं होती, इस शहर की हिस्ट्री है, इसलिए इधर इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जो 100-200 नहीं कितने साल पुराने हैं. तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब का ध्यान रखें और हम इस तरह से ध्यान रखें जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने ध्यान रखा, और ताकि हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसको इसी कंडीशन में इतने ही वेल मेंटेन तरीके से उनको दे के जाएँ और वो भी अपने बच्चों को बोल सकें कि झांसी रानी के समय का या राजा गंगाधर राव के समय का ये सब स्ट्रक्चर है, या महाराजा छत्रसाल के समय का ये सब स्ट्रक्चर है, ये सब ना सारी चीज़ें हैं. तो आई थिंक एक हेरिटेज वॉक जिसने आज एक मैसेज बहुत क्लियर किया, जिसमें हमारे DM सर, जिसमें हमारे कमिश्नर सर और जिसमें हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर सर सब ने पार्टिसिपेट किया, एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है और मैसेज बहुत स्ट्रेट एंड क्लियर है टू द सिटीजन्स ऑफ झांसी दैट गाइस वी नीड टू बी सीरियस अबाउट अवर ओन हेरिटेज, अबाउट अवर ओन ट्रेजर, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड हम मेरे ख्याल से इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती. तो इसी के साथ हम विदा लेंगे आपसे. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, सो चिल आउट एंड कीप एंजॉयिंग द वर्ल्ड हेरिटेज डे. थैंक यू.